हथियार तस्कर गिरफ्तार। जी हाँ, अयोध्या मादक पदार्थ और अवैध हथियार की तस्करी के आरोप में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में पकड़े गए हैं। पुलिस का आरोप है कि कार्रवाई के दौरान बदमाशों ने उन पर फायरिंग भी की थी। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 4 अवैध पिस्टल के साथ गांजा बरामद हुआ है। मामले में गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ पुलिस अवैध हथियार तस्करी और NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई मंगलवार रात को पुलिस ने की है। मामले की जानकारी SP ग्रामीण SK सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि मंगलवार की रात अंबेडकर नगर की ओर से आ रहे दो बाइक सवार लोगों को जब गद्दोपुर के पास पुलिस ने रोका तो वे भागने का प्रयास करने लगे। जब पुलिस ने उनका पीछा किया तो आरोपियों ने उन पर फायरिंग की। इस दौरान उनकी बाइक फिसलकर गिर गई। पीछा कर रहे पुलिस के सिपाहियों ने आरोपियों को दबोच लिया। वहीं SP ग्रामीण का कहना है कि गिरफ्तार आरोपियों के पास से 12 बोर की 4 अवैध पिस्टल, 8 मैगजीन, 4 जिंदा कारतूस और 1 किलो 250 ग्राम गांजा बरामद किया है। एक आरोपी अयोध्या जिले के ड्योही बाजार और दूसरा पूरा बाजार का निवासी है। आरोपी जिस बाइक से भाग रहे थे उसे भी बरामद कर लिया गया है। मामले में पकड़े गए आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। अयोध्या से हमारे संवाददाता तुफैल अहमद की रिपोर्ट। थाना प्रभारी गोसाईगंज और उनकी टीम के द्वारा एक बहुत बड़ा गुडवर्क किया गया है, जिसका पर्यवेक्षण CO सदर कर रहे थे। और इस टीम द्वारा एक इम्पॉर्टेंट इनपुट पर अपराधियों की धरपकड़ के लिए गाड़ाबंदी की गई थी। और बीती रात में इन लोगों के द्वारा, इनकी टीम, थाना प्रभारी की टीम द्वारा जब नाकेबंदी की गई थी, उसी दौरान कुछ संदिग्ध व्यक्ति अंबेडकर नगर की तरफ से आते हुए दिखाई दिए और गद्दोपुर के पास इन लोगों ने उनको ललकारा तो जवाबी फायरिंग की गई सामने से। और इन लोगों के द्वारा हिकमत अमली से पीछा किया गया और उन दोनों बदमाशों को काबू में लिया गया। और जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से जो फायर कर रहे थे, एक एक पिस्टल बरामद हुआ और कारतूस और मैगजीन भी रिकवर हुआ। और उसमें से जो एक मुख्य अभियुक्त था, जिसका नाम सत्येंद्र उर्फ जिगर सिंह है, जो जोड़ी बाजार रौनाही के रहने वाला है, इसके खिलाफ काफ़ी लंबा आपराधिक इतिहास है, 10 से ऊपर मुकदमे हैं। इसके कब्जे से एक बैग में 2 पिस्टल और अतिरिक्त मैगजीन और NDPS का एक आइटम इनके पास से रिकवर हुआ है, जो 1250 ग्राम गांजा के रूप में ये ट्रेस हुआ है, वो भी रिकवर हुआ है। इस प्रकार से ये एक बहुत अच्छा ये गुडवर्क हुआ है। और ये सारी रिकवरी को कब्जा पुलिस में लेते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए और विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्त पंजीकृत कर लिया गया है और मुलजिमों को जेल भेजा जा रहा है।